click on the bell icon to watch our latest videos. एक बच्चा जो इसने आज शूटिंग स्टार्ट की है उसके पास तो ये सब सुविधाएं अवेलेबल नहीं है कि ना उसके पास लेजर ये जैकेट्स हैं ना उसके पास अच्छी राइफल्स है, तो उसको शुरुआत करने के लिए किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? हमारे इंडिया में जितने भी छोटे रेंजेस हैं, जितने भी कोचेज हैं, वहाँ पर एक बेसिक N25 करके वेपन आती है जहाँ से उनको पहला पोजीशन चेक करवाया जाता है, उनको बेसिक सिखवाया जाता है, क्योंकि गन्स जो यूज़ करते हैं इट कैन बी क्वाइट हार्मफुल, क्योंकि थोड़ी सी भी अगर आप लोडेड है और आप घुमा के रख रहे हो तो फिर रिलीज़ हो जाए, कोई भी मर सकता है. सो उसके लिए बेसिक कोर्स होता है, सेफ्टी कोर्स होता है, और बॉडी को रेडी करवाया जाता है. दिस गन वेज 2.5 किलोज, तो आपको थोड़ा थोड़ा करके आपको प्रिपेयर करवाया जाता है ताकि आप हैवी वेपन्स लेने लगो आप. उसके बाद में तो कोचेस दे गिव ग्लव्स, जैकेट, ट्राउजर, शूज़, एक एक करके एडिशंस होते हैं. जैसे आई रिमेंबर फॉर माय फर्स्ट कंपटीशन जब मैंने ऐसे ही जाके खेला था, उसके बाद में माय पेरेंट्स काफ़ी खुश हुए एंड दे गिव मी द ग्लव्स. मैं काफ़ी खुश हो गई एंड आई वॉन्टेड टू डू मोर गुड, क्योंकि आई वॉन्टेड मच मोर थिंग्स फ्रॉम देम. तो जाके फिर नेक्स्ट कॉम्पिटिशन आई गॉट शूज़, आई गॉट जैकेट, आई गॉट ट्राउज़र, आई गॉट कैप, आई गॉट अ न्यू वेपन काफ़ी साल बाद. तो ये छोटे छोटे करके वो एड अप होते रहता है. अच्छा, आप एक नॉर्मल स्टूडेंट की ज़िंदगी जी रहे हैं और आप एक ओलंपियन का टैग भी लेकर रह चुकी हैं, तो ये कैसा फील होता है, क्या लगता है आपको? काफ़ी ग्राउंडेड रहना पसंद करती हूँ मैं. मुझे अभी तक ट्रेन में ट्रैवल करना पसंद है क्योंकि I love being like a normal person. जब चाहो ऑन हो जाओ, एपिक ऑन चलाओ. डाउनलोड द एपिक ऑन ऐप.